यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इसको खा के ना दिल उलाला करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक गोला मिलता खाने के लिए। सर एक गोला क्या ये? क्या ये रनिंग में चलते रहते हैं जी? कितनी दूर तक चलते हैं? जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे तो रोड पार कर लेंगे। जैसे छोटे बच्चे की मालिश करते हैं वैसे की कुल्चों की मालिश कर रहे हैं सर? उलाला करेगा हर घंटे, मन नहीं भरा रहता बस। मन भर गया आपका भाई साहब? इतना बटर? बिल्कुल सर। उसके बाद घी? उम्र कितनी है? मालिश कर रहे सर 25 की उम्र में मन भर गया आपका? अरे नहीं यार ऐसे ना करो, कपड़े पना दिए बटर में नहला धुलाकर उसको कहाँ भेज रहे हो? ये देखो जी, ये गोला दे दिया जी खाने के लिए। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको पंचकुला का ऐसा स्ट्रीट फूड दिखाने वाला ना भाई साहब, जिसको देखकर ना आपका दिल उलाला करने लग जाएगा। हाँ जी बाजी, ये बात सच है? हाँ जी नमस्कार भैया, कैसे? नमस्कार जी। भैया यहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई है, इतने बड़े बड़े सेटअप लगा हुआ है। तंदूर है, क्या चीज है ये? ये तंदूर है सर, अमृतसरी कुलचा रेडी हो रहा है। अमृतसरी कुलचा रेडी हो रहा है? यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इसको खा के ना दिल उलाला करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उलाला करेगा। आप भी ट्राई करो, आपका भी दिल उलाला करेगा। अच्छा पक्की बात है? पक्की बात। कौन कौन से कुलचे बनाते हैं आप? ऐसे कौन से खास रहते हैं? बहुत से, मतलब 60-70 टाइप के हैं। 60-70 टाइप के कुलचे? हाँ जी हाँ जी सर। ये सुबह सुबह मजाक ना करो यार। मेन्यू चेक करो सर, बहुत टाइप के हैं। कौन कौन से टाइप के होते बता दो मुझे अपने। वैसे रनिंग में तो रेगुलर जो चलने वाले आलू हो गया, गोभी हो गया, ये कौन सा लग रहा है? हाँ जी ये सर आलू प्याज के, ये रनिंग में चलते रहते हैं। आलू प्याज के रनिंग में चलते रहते हैं? हाँ जी हाँ। कितनी दूर तक चलते हैं? जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे तो रोड पार कर लेंगे सर, अंदर तक जाएंगे। अच्छा स्टार्ट होकर अंदर तक जाएंगे? हाँ जी। फिर उसके बाद लोगों के पेट में जाएंगे? पेट में जाएंगे, पैकिंग जाएगी सर, जोमेटो स्विगी ट्राई सिटी में जाएंगे। पूछे देखो यार, पूरे मसल पावर दिखाते हैं। तो लड़के इतने पतले क्यों कर रखे हैं आपने? दम लगा के काम कर रहे हैं? वर्कआउट होता रहता है ना? वर्कआउट होता रहता है। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद ओ भाई साहब, ये चेक करो। तो ये कितने बना लेते एक दिन में आप? अब तो ये सर अब काउंटिंग नहीं की। काउंटिंग नहीं है, 1.5 करोड़ तो आराम से बन जाते होंगे ना? बिल्कुल। मैदे के रहते हैं कि आटे के रहते हैं? ये सर दोनों ही रहते हैं, रेगुलर तो मैदा ही होता है, आटे का अगर कोई डिमांड करे तो आटे का भी। तो मैदा आटा दोनों रहता है? हाँ। ये आलू प्याज का जी? अच्छा ये आलू प्याज का जी। ये मिक्स वेजिटेबल है, इसको आप देसी पिज्जा भी बोल सकते हैं। देसी पिज्जा ना? एक तो ये मक्खन, ये बटर हो गया सर, ये हमारा स्पेशल घी हो गया सर। अच्छा स्पेशल घी। हाँ तो उस खाने में क्या देते हैं चुरचुर नान के साथ? चुरचुर नान के साथ आपका चने मिलेंगे अमृतसरी जी, साथ में चटनी प्याज मिलेगा। अच्छा। आपका मूल बटर मिलेगा साथ में। वैसे मैं आपको प्लेट लगा के दिखा रहा हूँ अभी। अच्छा जी, ये हमारे अमृतसरी चने आ गए जी। अमृतसरी चने, स्पेशल चटनी आ गई जी अनियन की जी, और ये आपकी प्लेट लग के तैयार है जी। तो इसका प्राइस क्या रहता है? इसका जी 120। तो आपके मुंह में पानी आता है? ढेर सारी प्लेट रोज लगती रहती है हर घंटे? तो मन नहीं भरा रहता बस। मन भर गया आपका? हाँ। उम्र कितनी है? उम्र है सर 25 है। 25 की उम्र में मन भर गया आपका? हाँ। अरे नहीं यार ऐसे ना करो, खाओ पियो दबा के। हाँ जी अच्छा, तो ये खट्टी मीठी चटनी की ज्यादा डिमांड रहती है? हाँ जी हाँ जी। ये बम रख दिया भाई ने? ये है सर स्पेशल। अच्छा चूरचूर नान है? हाँ जी। ओ भाई साहब मैं डर गया, मैं कहा ये क्या रख दिया भाई ने, गिफ्ट दे दिया ये? बिल्कुल चूरचूर नान। अच्छा चूरचूर नान ऐसे पैक करके देते हैं? हाँ जी। खासियत के आपके पास भीड़ क्यों लगी रहती है सर? मैं देख रहा हूँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लोग स्पेशल आते हैं खाने के लिए। लोगों का प्यार है जी। तो ज्यादा लोग खाते हैं कि सर पैकिंग रहती है? सर सैटरडे संडे ज्यादातर वैसे सेटिंग का ही होता है। ये यार भैया को शांति नहीं है ना, ये देखो फटाफट बटर लगा रहे हैं और ये कुलचे आ रहे हैं ना? ये अमृतसरी कुलचे आ रहे हैं। ये अमृतसरी कुलचे हैं? हाँ जी। क्या बात है पाजी, ये आपकी प्लेट लग के बिल्कुल तैयार है। ये मेरी नहीं है जी, ये कस्टमर की अंदर जा रही है, जैसे सप्लाई होती जा रही है यहाँ से, सप्लाई होती रहती है ना। हाँ जी। क्या बात। तो छोलों में कुछ खास रहता है? छोलों में सर अब ये अमृतसरी छोले होते हैं, बाकी मसाले वगैरह टेस्टी है। तड़के में कुछ खास नहीं रहता? विदाउट तड़के के जी। अच्छा कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं? कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं। सर वो चूरचूर वाले नान दिखाएंगे एक बारी, कौन से हैं? ये देखो जी, ये देखो कैसे लगाते हैं सर, हाथ से क्रश करके दिखाना, आवाज चेक कराना। भाई साहब इतना बटर? बिल्कुल सर। उसके बाद घी? बिल्कुल। मालिश कर रहे सर? और क्या सर। ओ भाई साहब ये लोगों का सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं जी। सेहत का ध्यान रख रहे हैं? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या बात है पाजी। ये बन गया चुरचुर नान और बटर और घी ने चूस लिया उसको, है ना? बिल्कुल सर। क्या और ये बात है, इसको पहना दिए कपड़े, कपड़े पहना दिए, है ना? जी। बटर में नहला धुलाकर उसको कहाँ भेज रहे हो? अब ये सप्लाई जा रही है सर, सप्लाई जा रही है भाई साहब। तो ये चुरचुर नाना जी, फिर बटर? फिर बटर। तो पंचकूला वाले सर बटर की ईंट के अलावा तो कोई बात नहीं कर रहे जी? बिल्कुल। ओ क्या बात है, क्या बात है भाई। ठंडा ये गर्म है? अभी गर्म है सर पूरा। अच्छा तो आप तो ऐसे कर रहे थे ठंडा होगा? नहीं नहीं, ये लो भाई साहब, ये आदत पड़ी हुई है जी। ये बैक टू बैक लगते रहते और भीड़ पूरी दीवानगी ऐसी लगी रहती जी। हाँ जी हाँ जी सर। तो मेला ये एतवार को रहता है मेला की ऐसी रहता है? संडे सर ज्यादा आता था, बाकी रेगुलर कम होता है। रेगुलर कम होता है? हाँ जी। तो एतवार को पूरा जबरदस्त मेला लगा रहता है? हाँ जी हाँ जी। एक बार मुझे देख के तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर फ्री में खिला रहे होंगे आप, इतनी भीड़ थी। नहीं फ्री में नहीं रहता ना, पैसे ही लेते, पक्की बात है। बिल्कुल। ये देखना, ओ ये पहाड़ है जी, है ना? ये सारे आलू वाले हैं।
सारे आलू वाले और अंदर भी सर पूरे दबाकर लगे हुए हैं। हाँ जी, तो मेला पूरा लगा रहता है। ये देखो क्या, तो क्या प्राइस है इनका? ये सर 100 सेल लगा रखी पूरी सर आपने ना, पूरी जबरदस्त सेल है। बंदे पूरे आते रहते हैं, कितने बजे आते हैं ये बताइए आप सर? भीड़ पूरी लगी रहती है। स्टार्टिंग है जी अपनी, ओपनिंग है 9 बजे। अच्छा, ओपनिंग है 9 बजे। हाँ जी, तो लेडीज जेंट्स बच्चे सारे गुजर पूरी गुजर पड़े आते हैं। ये देखो भाई साहब, ये छोटे भाई हमारे लगे मालिश पे मालिश करते रहते हैं सर, ये ना जैसे छोटे बच्चे को मालिश करते हैं वैसे के कुलचों की मालिश कर रहे हैं। ओ भाई साहब, घी की ज्यादा रहती है कि बटर की? बटर की। अच्छा जी, यार इन्हें भी खिलाया करो, थोड़ी इनकी सेहत बन जाएगी। हाँ जी, ये सर खा जाता है, चार खा जाते हैं एक टाइम में। हाँ, क्या बात है। तो हमारे कौन से लगाएंगे जी? आटे के भी बनते हैं? चूर-चूर आटे वाला भी बन जाएगा? चूर-चूर बन जाता है आटे वाला? तो सर एक आटे वाला चूर-चूर लगवा के दिखाइए। जरिए मिक्स वाली लग रहा है। सारी वेजिटेबल्स होती है? पड़ गए सारी वेजिटेबल्स। अच्छा जी, थोड़ा सा आलू, ओए होए, थोड़े मसाले। सेकंड फ्लोर से सारे मसाले डाल दिए? जल्दी जल्दी डालते कि किसी को पता ना लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये करोड़ों के राज है जी, करोड़ों के राज। आए हाय, करोड़ों की स्माइल भी अरुण भाजी आपकी है ना। ये लड़कों की स्पीड भी अच्छी है, तभी भीड़ हैंडल होती है। ओए होए, ये देखो भाई साहब, पूरा हॉल भरेगा फिर और स्पीड हो जाएगी, फिर स्पीड हो जाएगी ना। हाँ जी, तो ये पांचवा चौथा गियर चलता रहता है भीड़ के अकॉर्डिंग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जैसी भीड़ रहेगी वैसे तीसरा चौथा गियर चलता रहेगा। बन गया आपका मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, देसी पिज्जा? देसी पिज्जा बना रहे हैं ना? आटे वाला जी? आटे वाला सर। ये घी है जी डालडा? ये हमारा घी और बटर मिक्स है। कसूरी मेथी? हाँ जी। और ये आ गया आपका देसी पिज्जा। ये पनीर वाला? क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। पनीर की स्टफिंग देखो यार, क्या बात है। फिर देखो, मतलब एक सेकंड होते दूसरे सेकंड में फिर भीड़ हो जाती है प्लेटों की ना। बिल्कुल। तो ये लो भाई साहब, ये आटे वाला सर, ये कौन सा पिज्जे वाला नान कुलचा? ये आ गया सर गोभी वाला। ये गोभी वाला? हाँ जी। अरे जो मेरा था वो मेरा कहाँ गया? बस आपका भी आ रहा था। आ गया। ये लो भाई साहब, ये आ गया जी। ये आटे वाला थोड़ा वो ब्राउनिश हो जाता है ना जी? हाँ जी, थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये हार्ड हो जाता है, इसको भी हमने चूर चूर बना दिया बटर डाल के। क्या बात है, इसको पैक करके देते हैं हमने, इसको कपड़े पहना दिए, कपड़े पहना दिए इसको। हाँ जी, हाँ जी, खाना है जी। तो कपड़े पहना के रखो, अगर मैंने खाना नहीं होता पैक करना होता फिर क्या करते इसको? कपड़े बना के भेजते हैं। ओ भाई साहब, ये गोला मिलता खाने के लिए सर? एक गोला क्या है ये? चूर-चूर है सर, अमृतसरी कुलचा आ गया और चूर-चूर आ गया जी। ये वैरायटीज आ गई, जैसे गोभी वाला हो गया, आलू गार्लिक हो गया। आलू गार्लिक, क्या बात है, क्या बात है जी। सुबह के बज चुके हैं 9 और ये देखो जी, ये गोला दे दिया जी खाने के लिए। अमृतसरी छोले रहते हैं जबरदस्त, गाढ़ी ग्रेवी वाले विदाउट ऑयल। एक खट्टी मिट्टी चटनी होती प्याज वाली जी। ये खोल के देख लेते हैं। ये देखो जी, आटे का कराया था, हेल्दी खाना है, पर जो ये बटर डालते हैं ना भाई साहब, वो पूरी पंजाबियों जैसे डालते हैं, मिक्स वेज वाला। ये देखो जी, ओहो गरम गरम है और चूर चूर सच में हो गया जी। तभी यहाँ ना हर एक बंदे के मुँह में उलाला होता रहता है, उनका दिल उलाला करता रहता है। खाने के बाद जुबान कहती है तू है मेरी फैंटेसी, है ना। तो ये देखो जी, ये रंग रोगन देखो जी, मिक्स वेज वाला था। इसको पैटी कुलचा भी कहते हैं, पिज़्ज़ा कुलचा भी कहते हैं, है ना। तो इसको टेस्ट और रिव्यू कर लेते हैं। देखो उंगलियाँ भी लतपत हो गई जी बटर से। तो ये छोले डाल दिए जी, सब्र तो छोलों से भी नहीं हो रही, हमारे से भी नहीं हो रही। और ये चटनी आ गई जी, और ये टेस्ट और रिव्यू कर लेते हैं। ये मिक्स वेज वाला अमृतसरी कुलचा, क्या बात है, अल्टीमेट स्वाद है, अल्टीमेट स्ट्रीट फूड है। और भीड़ ज़्यादा थी इस करके हमारे को रिव्यू यहाँ पर देना पड़ गया। खस्ता पूरे प्योर है यार, मैं कह रहा हूँ आटे वाले ही खाए करो, मैदे वाले खा के कोई फायदा नहीं है, पेट ही खराब होगा। और नवा नवा जायका आपको दिखाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पाजी लोकेशन एड्रेस बता दो, किसने खाने के लाना पड़ेगा? लोकेशन एड्रेस सर आपको आना पड़ेगा, ये मनसा देवी कॉम्प्लेक्स फैमिली सेक्टर 4। अरुण पाजी ने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू जी।